हर बार क्वेश्चन मैथ को लिख करके ही पढ़ा जाता है, कभी आप ऐसे नहीं कि पेज पलटते जाइए और जो है वो क्वेश्चन हमारा सरसरी निगाह से देखते गए, हम आगे बढ़ते गए, हमारी पढ़ाई हो गई, ऐसा नहीं करना। और ना ही ये कोई हमारा जैसे हम आपके सामने हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं तो भी आपको हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब तक आप खुद से इसे नहीं लिखेंगे, लिख लिख करके हाथ से कलम चलाइए, ठीक है ना। मैथ के स्टूडेंट्स हमेशा कलम चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कलम चलाना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की, 12.3 क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है उसको समझे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया गया है, फिगर कैसा है वो मैं आपको यहां पर बना करके दिखा रहा हूं। एक सर्कल है और सर्कल में यहां पर एक जो है हमारा सेंटर है और ये डायमीटर यहां से एक इस प्रकार से ऐसा फिगर बना है और इसमें जो है नाम लिखा है, दिस इज अ पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर एंड दिस पॉइंट इज ओ। हम जानते हैं सेमी सर्कल के जो एंगल होते हैं, सेमी सर्कल का एंगल का मतलब होता है एक जो है सर्कल में एक जो है मान लीजिए किसी ट्रायंगल की एक साइड उसकी डायमीटर और ट्रायंगल का तीसरा साइड सर्कमफेरेंस पर हो तो 100% ये एंगल जो है कितना होगा 90 डिग्री होगा। यानी ये पी यहां भी सर्कमफेरेंस पर कहीं भी ये पी पॉइंट होता तो वो 100% हुआ जो है उस एंगल को बोलते हैं सेमी सर्कल्स एंगल, क्योंकि सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि सेंटर पर ये एंगल जो है 180 डिग्री का बना है तो इसके द्वारा यहां पर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का हाफ 90 डिग्री का बनेगा। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं सेमी सर्कल्स एंगल, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बोला गया है PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। PQ जो है आपका है 24 सेंटीमीटर और साथ में यहां पर दूसरा जो है PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये है 7 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल के अलावा जो सेमी सर्कल में जो हमारा पोर्शन है यही पोर्शन हमारा क्या है शेडेड पोर्शन है। दिस इज अ शेडेड पोर्शन। ये पोर्शन हमारा क्या है शेडेड पोर्शन है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हमें शेडेड पोर्शन की एरिया निकालना है। यहां पर साफ शब्दों में कहा गया है पाई की वैल्यू जो है 22/7 जो है हमें लेनी है। तो अभी हम काम क्या करेंगे, ध्यान रखिए सर्कल का पहला काम होता है इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का अप्लाई करके हम हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। नंबर एक पर हाइपोटेनियस को हाफ करेंगे तो वो जो है इस बड़े सर्कल का क्या होगा रेडियस होगा। तो बड़े क्योंकि ये सारा काम हमें सेमी सर्कल में करना है तो सर्कल की एरिया निकाल करके उसे बाय 2 करके इस सेमी सर्कल की एरिया को निकाल करके रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बारी आ गई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 × बेस × हाइट। हम वहां से क्या करेंगे इसका बेस और हाइट से इस ट्रायंगल की एरिया को निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये दो काम है। उसके बाद इस सेमी सर्कल की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को जब हम हटा देंगे तो ये बचा हुआ शेडेड पोर्शन हमारा फाइंड हो जाएगा। इस काम को सभी लोग अपनी कॉपी में करें, जो नहीं कर पा रहे हैं आ रहा है तो भी इसे जरूर लिखें और कॉपी पर लिखकर ही इसे देखें। कई बार जो है हमें ये पाइथागोरस में स्क्वायर की रूट निकालने में समस्या हो जाती है तो उसको भी ध्यान देना जरूरी है। इन ट्रायंगल आपका PQR मींस एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे आर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ पर दैट इज इक्वल टू PR हो गया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 49 प्लस और हमारे पास 24 का स्क्वायर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए 4 × 16 कैरी पास है 1 हो गया 4 × 8 8 × हमारे पास 16 × 1 = 17 7 × 1 2 × 4 = 1 5 5 = 76। तो ये जो है थोड़ा सा हमने जो है इसमें वैदिक मैथ से जो है इसका स्क्वायर निकाल दिया और अब जो है इसमें हमारे पास जो है ये 49 है और इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5
और 11625 ये हो गया हमारे पास आर क्यू का स्क्वायर, सो आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा हो गया हाइपोटेनियस। अब बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस हमारे पास क्या होगा, रेडियस आर इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर बाई में टू, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, सेमी सर्कल की एरिया हमारी पाई आर स्क्वायर बाई में टू। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 25/2 इंटू 25/2। इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है, हम ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 2 से ये कट गया 11, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 625 बाई में 28। 11 से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सभी लोग जो है एक बार इसे जरूर करें, क्योंकि मैथ में 6875 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेमी सर्कल की एरिया। अब इसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर इंटू पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 इंटू 24, ये 2 से ये कटेगा कितना हो जाएगा 1284 सेंटीमीटर। ये जो है हमारे पास जो है स्क्वायर लगाना भूलेंगे। अब हम क्या करना है, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां पर लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इस वाले एरिया में से 6875 अपॉन 28 में से 84 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एलसीएम ले लेना, 6875 में 84 में हमने जो है 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2352 डिवाइडेड बाई में यहाँ पर 28, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे माइनस करने पर आ रहा है 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन है, अब इसको आप चाहो तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, चाहो तो आप जो है इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, वो आपका काम है। छोटा सा जहां तक सॉल्वो की शायद बुक में आंसर यही दिया है, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी करके आप इसे दे सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। हाँ बोलो सर, एक बार और बता दो, पूछ सकते हो इसमें एक बार और बता दो, एक बार और पहला काम हमने देखिए। यस बोलिए सर। सर तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। आई कांट हियर यू बेटा, मैं आपको साफ साफ सुन नहीं पा रही हूँ। जी बोलो बेटा। 17 तारीख से आपको सूचना, 17 तारीख से स्कूल खुल जाएगा। अभी लास्ट के जो 5 मिनट बचेंगे बेटा ना सर, न्यूज़पेपर से वाली बातें कर लेंगे। लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, अभी हम लोग काम पर कर लें। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, कुछ भैया पूछ रहे थे, तो आइए देखते हैं। आज मम्मी डेट क्या है, 11/11/20। हाँ 11/11/20 है। अभी यहाँ पर क्या है कि आर क्यू हमारे पास है, तो आर क्यू हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर से रिलेटेड कोई भी तीसरा वर्टिसेस ट्रायंगल का अगर सरकमफेरेंस पर है
तो ये सेमी सर्कल का एंगल होता है ये 90 डिग्री का होगा। मेजरमेंट जो है चेंज हो सकती है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते। तो हमने जो है यहाँ पर 7 और 24 इसके दो साइड दी गई है, ये राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस का अप्लाई करके हम जो है आरक्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस से सॉल्व करके आरक्यू हमारा 25 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब क्योंकि आरक्यू हमारा डायमीटर है तो डायमीटर को हम हाफ कर देंगे तो वो रेडियस मिल जाएगा। अब रेडियस जो है हमारे पास 25/2 है। हमें जो है ये शेडेड पोर्शन इसके सेमी सर्कल के साइड में है तो हम पूरा सर्कल के एरिया नहीं निकाल करके सेमी सर्कल की एरिया को फाइंड करेंगे। तो हमने सर्कल की एरिया में बाई टू कर दिया है कि आधे सर्कल का एरिया हमें मिल सके। तो वो हमने सॉल्व किया तो हमें सेमी सर्कल की एरिया यहाँ पे मिल गई। अब क्योंकि इस सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगुलर पोर्शन शेडेड नहीं है तो हम सेमी सर्कल की एरिया में से ट्रायंगुलर पोर्शन की एरिया को हटा देंगे। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल की एरिया निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हमने ट्रायंगल की एरिया निकाला। अब जो है सेमी सर्कल की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को हमने क्या किया, माइनस कर दिया और हमारा काम जो है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसमें सर हम सेक्टर का एरिया निकाल के सर सेगमेंट का एरिया माइनस भी तो कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। सेक्टर क्या है, आप देखिए क्या है, यहाँ पर एक सेगमेंट है, नीचे भी एक सेगमेंट है। आप ये भी काम कर सकते हैं, आपको अगर लगता है कि वो सेगमेंट निकालना आपके लिए सुविधाजनक है तो सेगमेंट की एरिया में आपको पहले रेडियस तो फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस के बगैर आप सेगमेंट और सेक्टर दोनों में से कोई अप्लाई नहीं कर सकते। तो रेडियस के लिए ये पाइथागोरस का काम करना पड़ेगा। यहाँ भी हमने दो बार एरिया निकाला है, आपको वहां भी दो सेगमेंट की एरिया वहां भी निकालनी पड़ेगी। तो काम में कोई कमी नहीं होगी, जबकि काम थोड़ा सा आपका उसमें ज्यादा ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है भरसक प्रयास करते हैं कि वो काम हमारे लिए जो सुविधाजनक हो हम उस ट्रैक को पकड़े, ताकि जो है हमें हमें कहीं दिक्कत ना हो, हमें सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। तो ये सबसे इजी मेथड है। अगर आप सेगमेंट करना चाहते हैं तो सेगमेंट का भी काम कर सकते हैं, आएगा उससे भी, उसमें कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो सेगमेंट ये सर थीटा भी तो निकालना पड़ेगा लेकिन सर। हाँ वो भी है, थीटा भी आपको निकालना पड़ेगा, समस्या उसके बाद फिर फंसेगी आपकी। लेकिन सर थीटा निकलेगा कैसे फिर? नहीं वही आप मतलब ये इन्होंने जो है लॉजिक जो दिया ना सेगमेंट कहने का, तो इसके लिए आपको जो है पहले यहाँ से थीटा तो फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साइड में कोई रिलेशन नहीं है, कोई परफेक्ट रेशियो नहीं है कि 24 और 7 दिया है ना, तो कोई ऐसा रेशियो नहीं बन रहा जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हमारा फाइंड हो सके। तो इसलिए जो है सेगमेंट में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे इजीएस्ट वे हमने जो आपको बताया यही है, ठीक है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर ऑफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर 7 एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली और एंगल एओसी आपका 40 डिग्री दिया गया। यहां पर भी क्या किया है कि ये जो है हमारे पास एक प्रकार से दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए गए हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, और यहां से इसमें जो है ये जो एंगल बोला गया है ये एंगल है 40 डिग्री। ए हमारे पास पॉइंट है हमारा ओ, और यहां पर हमारे पास जो है ए, ये बी, ये सी और ये डी, इस तरीके से बना है। और दिस इज द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है। तो देखिए क्या होता है कि जो भी जितने भी इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल के चैप्टर में क्वेश्चन है जिनका फिगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ, अट्रैक्टिव का मतलब कि जो है जिसमें फिगर जो है थोड़े डिजाइनदार है या अलग से कुछ स्पेक्ट्रम बना है, पैटर्न बना है, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आए हुए हैं, बहुत से बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, फिगर आपके बुक में भी है, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहां पर कहा गया है कि बड़े वाले की रेडियस, ये जो बड़ी रेडियस है ये 14 है और छोटी रेडियस जो है ये 7 है,
और एंगल हमारा 40 डिग्री है। तो इसमें काम सिंपल सा है, बड़े सेक्टर की एरिया में से छोटे सेक्टर की एरिया को हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो शेडेड पोर्शन की एरिया हमारी फाइंड हो जाएगी। तो हम जानते हैं सेक्टर की एरिया, यहाँ पे होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल है, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करना है। तो हमारा जो नया आइडेंटिटी बनेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से पाई आर टू स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को हम जो है माइनस करेंगे, तो इसमें से क्या होगा, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस कॉमन ले लिया तो आर वन स्क्वायर में से आर। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे, तो यहां पर हमारे पास हो गया 22/7, इसके बाद जो है थीटा है 40/360, आर वन कितना है, ये है 14 का स्क्वायर माइनस ये है 7 का स्क्वायर। आप चाहो तो सीधे सीधे इनके स्क्वायर में से इनके स्क्वायर को माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज एक काम और भी हो सकता है, हम इन सब में से जो है हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इसको हम राक्षसों की टीम अभी एक और राक्षसों की टीम है 22/7 तो ये इनटू 1/9 ब्रैकेट में 14 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 14 में से हमने 7 को माइनस कर दिया तो ये 7 हो गया। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आप ये भी ट्रिक लगा सकते हैं, मेहनत थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी और दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास 154/3 यहां पर 3 आप काट सकते हैं 3 और 7 तो ये जो है हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। तो आसानी से बड़े सरफेस एरिया में से यानी कि सॉरी बड़े सेक्टर की एरिया में से छोटे सेक्टर की एरिया को निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट भी किया है, आप अलग अलग निकाल कर भी माइनस करेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। तो आपको जो सुविधाजनक लगता है, जिसमें आपको लगता है कि मैं ऐसे करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो उसे आप जो है जरूर करें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को, आवाज नहीं आ रही है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मैं थोड़ा सा एक काम ये करता हूं कि कैलकुलेशन वाला पोर्शन छोड़ते जाऊंगा, मैं केवल फॉर्मुलेट करके फिगर बना दूंगा और वर्क आपको दे देता हूं ताकि इसे आप करेंगे तो आपको जो है अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां ध्यान दें, एक जो है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में यहां पर एक सेमी सर्कल है और यहां भी एक सेमी सर्कल है, ये जो पोर्शन है ये हमारा शेडेड रीजन है, दिस रीजन हमारे इज शेडेड रीजन। अब इसमें कहा गया है कि यहाँ पर स्क्वायर की साइड हमारी 14 है, यानी ये पूरा हमारा कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और इसमें जो है ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर हमारे पास। तो पहला काम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन देखिए आधा सर्कल और ये आधा सर्कल, आधे आधे सर्कल को जो हम जोड़ेंगे तो ये एक फुल सर्कल हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, सर्कल की एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ
सर्कल ये होगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा साइड 14 है तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7। आर की वैल्यू क्या करेंगे, 7 भर करके इसको निकाल लेंगे। दूसरा काम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर यानी ये है 14 का स्क्वायर से आप जो है ये निकाल लेंगे। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेंटर्ड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेंटर्ड रीजन इज इक्वल टू 14 स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर की वैल्यू 7 भर करके इसको सॉल्व कर देंगे, वो आपका जो है एरिया आपका इसमें से ये एरिया आपको निकल करके सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो है आपको यहां पर ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं उसे भी बता रहा हूं, ध्यान से सुने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका जो फिगर है वो मैं आपको यहां बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये है 4 में कहा गया है कि एक यहां से ट्रायंगल है और यहां पर एक सर्कल है, ये सभी हमारे क्या है, ये शेडेड पोर्शन है, ये सारा हमारा शेडेड रीजन है। और इसमें जो बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमारी कितनी दी गई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है 12, ये पूरा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर इसकी साइड है। और इसके बाद बोला गया है सर्कुलर आर्क जो है उसकी रेडियस 6 दी गई है, यानी कि ये पोर्शन जो है आपका 6 सेंटीमीटर। तो दो तरीके हैं, एक तरीका यह है कि सबसे पहला काम वो जो है मेजर सेक्टर बनता है, अगर ट्रेंगुलर पोर्शन को हटा दे तो वो जो ऊपर का पोर्शन है वो मेजर सेक्टर है, मेजर माइनर का कोई ज्यादा भी अंतर नहीं पड़ता, बस एंगल का डिफरेंस होता है। माइनर एंगल में जो है आपका थीटा की वैल्यू 180 से कम होती है, मेजर में थीटा की वैल्यू जो है 180 से ज्यादा होती है। तो हम एंगल, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकाल के अलग रखेंगे, सेक्टर की एरिया अलग रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आइए देखते हैं फार्मूला में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जिसमें साइड आप क्या लेंगे 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया आपको मैंने निकाल दी। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे। देखिए क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ये जो है हमारे पास, ये पूरा एंगल हमारा 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल हमारा 60 है, तो ये बाहर का एंगल हमारा 300 पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल होता है। और यहां पर जो है हम इसमें ध्यान देंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें थीटा की वैल्यू हम लेंगे 300 डिग्री, आर की वैल्यू हम लोग लेंगे 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम निकाल लेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल, दोनों को क्या करना है, हमें प्लस कर देना है,
यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया आप सेक्टर दोनों की एरिया को आप निकाल करके प्लस कर दीजिए, ये जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं हर क्वेश्चन का एक रोड मैप बना दे रहा हूं, इसको एक वर्ड यूज करते हैं टेक्निकल भाषा में रोड मैप। तो ये सॉल्व करने का मेथड मैं आपके सामने यहां लिख दे रहा हूं, इसे खुद से जितनी बार प्रैक्टिस हो इसका यूज आप कर सकते हैं, बार बार इसे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि आपका आंसर न आए। सर वापस से बता दीजिए। वापस से ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है अंडर रूट 3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, जिसमें साइड हमारी होगी 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एक सेक्टर है जिसका एंगल जो है 300 डिग्री है, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री का ट्रायंगल तो नीचे है और उसके बाद जो है 360 में से 60 को जब हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ पोर्शन जो होगा वो हमारा कितना होगा 300 डिग्री। तो 300 डिग्री का हम वैल्यू यहां पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 300 में 360 से डिवाइड ऊपर कट करके आप सिंप्लीफाई कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 में एक जो है हमारे पास फिगर है, एक स्क्वायर बना है ऐसे। इस स्क्वायर में यहां पर चारों कोने पर जो है एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को ही मैं अभी समझा रहा हूं, सर्कल को चार हिस्सों में यदि बांट दिया जाए तो एक हरेक हिस्सा जो है क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये जो है हमारे पास इसमें जो है ये हमारा सेडेड पोर्शन है और ये सेडेड पोर्शन की एरिया को हमें निकालना है। ये जो हमारा दिया गया है इसका रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ ये भी जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, सभी का जो है ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है स्क्वायर जो है स्क्वायर की जो साइड दी गई है वो साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? सेडेड पोर्शन की एरिया निकालना है। तो देखिए ये जो है चौथाई हिस्सा, ये भी चौथाई हिस्सा, ये भी चौथाई और ये भी चौथाई, यानी कि चार चौथाई मिलकर के एक पूरा होल सर्कल पूरा कर लेते हैं और एक सर्कल जो है बीच में है। तो कुल कितने सर्कल हो गए इसमें? टोटल एरिया जो है सर्कल की 2 सर्कल हो गए। हम क्या करेंगे? स्क्वायर की एरिया में से 2 सर्कल की एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो है हमारा सेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू 2 × π r² जिसमें r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आप लेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है ये हमारा हो गया A1। अब इसके बाद दूसरा A2 है एरिया स्क्वायर। अब स्क्वायर की एरिया कैसे निकालते हैं? हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड, साइड में साइड का जब मल्टीप्लाई। एक ही क्लास लिया है ना चुप चुप। तो एरिया ऑफ जो है हमें स्क्वायर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये है साइड का स्क्वायर, ये साइड हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेडेड रीजन इज इक्वल टू A2 में से A1 को आप माइनस कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो गया? वो आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो गया? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके आधार पर हम इस काम को कर सकते। ये जो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का रोड मैप। फिर से सर्कल जो है इसमें बने हुए हैं, ऐसे टोटल को जोड़ा जाए तो 2 सर्कल होंगे। 2 सर्कल की एरिया को निकाल लें, स्क्वायर की एरिया को अलग निकाल लें, स्क्वायर की एरिया में से 2 सर्कल की एरिया को माइनस कर दें, जो एरिया बचेगी दैट इज अ एरिया ऑफ सेडेड रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझें। इन अ सर्कुलर टेबल कवर द रेडियस 32 सेंटीमीटर और डिजाइन फॉर द लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन अ मिडिल एज शो इन फिगर गिवन फिगर
फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइंड शेडेड रीजन, उस शेडेड रीजन की डिजाइन को। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये कई बार पूछा गया है। ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां पर आपको ध्यान देना है, दिस इज अ ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और हाँ थोड़ा सा जो है साइनिंग इंडिया है इसमें, चमक रहा है, लेकिन फिगर, ये वाला फिगर आपके बुक में ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लिखने वाला काम तो कम से कम दिखाई दे आपको। ये सामने से धूप भी आती है ना, हमारा फेस जो है ईस्ट साइड में है और सामने ईस्ट में कंप्यूटर लैब में जो है एक विंडो है जिससे रोशनी आ रही है, और आईटी लैब में हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो है कहा गया है कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस दी गई है, देखो बच्चों ध्यान से, ये जो है 32 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 32 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके बाद जो है यहां पर हमें एक चीज और ध्यान देना है कि हमें इसे फाइंड करने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमें डिजाइन क्या है, डिजाइन तो ये हमारा बाहर बाहर, और बाहर वाले डिजाइन में हमें जरूरत जो है मेन बेसिक चीज की होती है। यहां पर क्या है कि थीटा जो हमारा है वो तीन भागों में बढ़ जाएगा, तो यानी हम एक सेक्टर की देखिए क्या है कि ये सेगमेंट है, ठीक है, तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप सोच में पड़े गए होंगे कि थीटा की वैल्यू उसमें हम क्या लें, तो थीटा की वैल्यू आपको लेना है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 कहां से आया, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री हमें मिलेगा, क्योंकि जो है एक शेडेड पोर्शन है। तो अब हम शेडेड पोर्शन, क्योंकि ये एक सेगमेंट की एरिया निकली है, ट्रायंगल के तीनों साइड में हमारे पास तीन सेगमेंट है, तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या देखेंगे, टोटल सर एक्सक्यूज मी, बिल्कुल बेटा सर, सर साइन 120 की सर वैल्यू क्या होती है, साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालना तो भी आपको भी बता रहा हूं। शेडेड रीजन तो दैट इज इक्वल टू, शेडेड रीजन की एरिया हो जाएगी 3 × पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भैया ने क्वेश्चन पूछा है कि 120 की वैल्यू क्या होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और साइन 90 प्लस 30 करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थोड़ा सा पोर्शन हम यूज कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा साइन जो है 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, तो यहां पर हमारे पास हो गया कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 3/2। आप जो है यहां पर ये जो है ये 120 लेंगे और इसकी वैल्यू आर की वैल्यू आपके पास जो है 32 हो जाएगी, भी यहां भी आपका 120 हो जाएगा, और आप जो है इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस पूरे एक सेगमेंट की एरिया में से 3 का मल्टीप्लाई कर देना, वो निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है पाइथागोरस का यूज करके,